मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा युवा कांग्रेस एमपी में युवाओं के मसले पर संघर्ष करेगी। भूरिया ने बताया कि 27 दिसंबर को युवा शक्ति समागम और किसान मार्च का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बताया कि 27 दिसंबर को आयोजित युवा शक्ति समागम तथा किसान मार्च में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी उपस्थित रहेंगे, जिनके माध्यम से युवा शक्ति का प्रदर्शन होगा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में युवाओं को हो रही कठिनाइयों के लिए हम संघर्ष करेंगे तथा इस संघर्ष को गाँव गाँव गली गली तक लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि संगठन में जल्द से जल्द सारे पदों को भरा जाएगा। आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरी आज पहली प्रेस वार्ता है और ये प्रेस वार्ता हम जो 27 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं उसके संदर्भ में है और उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे और 9 बजे के आसपास उनका एयरपोर्ट पर आगमन होगा और 11 बजे एक युवा शक्ति समागम का कार्यक्रम का हम आयोजन करने जा रहे हैं जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाहर रखा जाएगा। उसमें पूरे प्रदेश के सभी युवा पधार रहे हैं, जो जीते हैं, जो हारे हैं, सबका समागम होगा। एक शक्ति के रूप में यहां से उभरेंगे और सारे वरिष्ठ नेतृत्व, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और यहां से हम पीसीसी से अम्बेडकर जी की मूर्ति तक एक किसान स्वाभिमान मार्च करने जा रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।